नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। हम आगे इस सिलसिले पर बात करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि इस साल T20 वर्ल्ड कप जून महीने में होगा। इसी के दौरान इंडिया और पाकिस्तान का मैच 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। यह मैच पहले से ही सोल्ड आउट हो चुका है, यानी इस मैच के सारे टिकट बिक चुके हैं। अब कुछ रीसेल वेबसाइटों पर इस मैच के लिए टिकट अभी भी बिक रहे हैं, जिसकी कीमत सुनकर आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी। पर कुछ क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह कीमत कुछ भी नहीं है। रीसेल टिकट का मतलब जिसे किसी ने ऑफिशियल मीडियम से खरीद लिया और अन्य प्लेटफॉर्मों पर सोशल मीडिया जैसे हो गया या वेबसाइट होगी उन पर दोबारा बेच दिया। अमेरिका में इस तरह की टिकट बेचना कानूनी रूप से मान्य भी है। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि इस टिकट की आखिर कीमत कितनी रहने वाली है। अमेरिका न्यूज़ के मुताबिक स्टबहब और सीटी जैसी वेबसाइटों पर भारत पाकिस्तान मैच की रीसेल टिकटें लाइव हो चुकी हैं। स्टबहब पर सबसे सस्ती टिकट की कीमत इस समय $1,259 यानी ₹1,04,000 की है। वहीं अगर सीटकिक पर सबसे महंगे टिकट की बात करें तो इसकी कीमत $1,75,000 और इसमें $50,000 की फीस ऐड कर दी जाए तो यही टिकट $2,25,000 में बिक रही है, जो कि भारतीय करेंसी में ₹1,86,00,000 की होने वाली है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के सभी मैच अमेरिका में खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप में पांच पांच टीमों के ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। इसी के दौरान भारत और कनाडा का भी मुकाबला शामिल है। भारत के शुरुआती तीन मैच न्यूयॉर्क में और चौथा मैच फ्लोरिडा में होगा। आपको ये भी बता दें कि भारत और कनाडा के मैच की भी टिकटें दोगुने रेट में मिल रही हैं। भारत ग्रुप ए में शामिल है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका भी खेलेंगे। साथ में आपको ये भी बता दें कि अमेरिका में पहली बार ICC टूर्नामेंट होने जा रहे हैं। अमेरिका को पहली बार ICC टूर्नामेंट की मेज़बानी मिलेगी। 2028 में ओलंपिक्स गेम्स भी अमेरिका में ही होंगे, जिसमें क्रिकेट भी शामिल है। इस इवेंट को देखते हुए ICC ने अमेरिका को T20 वर्ल्ड कप की प्राथमिकता दी है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन अभी तक जो रह चुके हैं, सबसे पहले भारत 2007, पाकिस्तान 2009, इंग्लैंड 2010, वेस्टइंडीज 2012, श्रीलंका 2014, वेस्टइंडीज दोबारा से 2016, ऑस्ट्रेलिया 2021 और इंग्लैंड 2022 में रह चुके हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना